हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडिया बनाम बांग्लादेश भाई सुपर फोर का आखिरी मुकाबला, जहां टीम इंडिया अपने 5 धुरंधरों को देती है आराम। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों को बेंच पर बैठाया जाता है और टीम लाती है तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल और प्रसिद्ध जैसे खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में। टॉस जीतकर रोहित शर्मा गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं और यहां पर भाई बारी आती है बांग्लादेश की। टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज लिटन दास शून्य पर मोहम्मद शमी का शिकार होते हैं। भाई तीसरे ओवर में ही पहला विकेट गिरता है और उसके बाद जस्ट अगले ओवर में तंजिद हसन भी शार्दुल ठाकुर का शिकार होते हैं। दोस्तों, इस वक्त टीम 15 रन पे 2 विकेट खो चुकी थी और निरंतर अंतराल पर यहां पर विकेट गिरते दिख रहे थे, जहां पे तीसरा विकेट था अनामुल हक का बाय शार्दुल ठाकुर और जिसके बाद मेहदी हसन मिराज भी पवेलियन लौटते हैं। यहां पर शाकिब अल हसन के साथ एक छोटी सी साझेदारी पनपती है ताऊद रिदॉय और शाकिब अल हसन के बीच, लेकिन 160 रन पर, लेकिन यहां पर शाकिब भी शार्दुल ठाकुर को अपना विकेट दे बैठते हैं जब वो थे 80 रन पर। टीम बेहद उम्दा प्रदर्शन कर रही थी भाई। यहां से एक बार फिर फॉल ऑफ विकेट शुरू होता है। पहले जाते हैं शमीम हुसैन ठीक इसके अगले ओवर में और रविंद्र जडेजा का शिकार होते हैं। दोस्तों, यहां से टीम इंडिया की गिरफ्त में लग रहा था ये आखिरी मुकाबला। दोस्तों, यहां पर नजूम अहमद 44 रन, मेहदी हसन 29, तंजिम हसन साकिब 14 रन बनाते हैं और टीम का स्कोर पहुंच जाता है 161 से सीधा 265। भाई टीम इंडिया को मिलता है 50 ओवर में 266 रन का टारगेट। अब ऐसे में रोहित शर्मा पहले ही ओवर की दूसरी गेंद में डेब्यू कर रहे तंजिम हसन का शिकार हो जाते हैं और शून्य पर पवेलियन लौटते हैं। तिलक वर्मा भी मात्र 9 रन पे तंजिम का शिकार होते हैं। 2 विकेट लगातार जाने के बाद शुभमन गिल और केएल राहुल का साथ मिलता है, एक पनपती हुई साझेदारी जिसे तोड़ते हैं मेहंदी हसन केएल राहुल के रूप में मात्र 19 रन पे, लेकिन यहां पर शुभमन गिल एक और डटे रहते हैं। ईशान किशन भी जल्द ही पवेलियन लौट जाते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव धीरे धीरे शुभमन गिल का साथ देते दिखाई दे रहे थे। उन्हें कप्तान शाकिब अल हसन वापस पवेलियन भेजते हैं मात्र 26 रन पे। यहां पर रविंद्र जडेजा भी आनंद फानन में वापस पवेलियन लौटते हैं, ऑल थैंक्स टू मुस्तफिजुर रहमान, जो कि इस पूरे सीजन में लय में नहीं दिखे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा का विकेट लेने के बाद वो एक बार फिर लय में आते हैं। 170 रन पे जब इंडिया के 6 विकेट थे तो शुभमन गिल 209 रन पर अपना विकेट गंवा देते हैं। मेहदी हसन की गेंद पर ताऊद रिदॉय को कैच देकर इस दौरान शुभमन गिल 121 रन बनाते हैं 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से। टीम इंडिया ऑलमोस्ट स्कोर के करीब पहुंचती दिखाई दे रही थी, लेकिन यहां पर एक और झटका लगता है शार्दुल ठाकुर का, जो कि 13 गेंदों में 11 रन बना चुके थे और अक्षर पटेल के साथ साझेदारी करने में कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहे थे, लेकिन इंडिया की उम्मीदों पर पानी फिरता है अक्षर पटेल के विकेट के बाद, जो कि 34 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 42 रन बना चुके थे और फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर वो तंजिद हसन को कैच दे बैठते हैं और यहां से टीम इंडिया का डाउनफॉल शुरू होता है, जिसके बाद मोहम्मद शमी के रूप में टीम का आखिरी विकेट गिरता है रन आउट द्वारा। बांग्लादेश फाइनली इस सुपर फोर की रेस में पहला मैच जीतती है अगेंस्ट इंडिया बाय 6 रन्स। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। टीम इंडिया को अब फाइनल मुकाबले में भिड़ना होगा श्रीलंका के साथ। दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे संडे दोपहर 3 बजे।